इसका असर बहुत ही खासा दिखाई भी दिया और उत्तर प्रदेश में एक अलग ही लहर बीजेपी की दिखाई सबको दे रही है। लेकिन नोटबंदी के दौरान अगर मुद्रा की बात करें, बैंक में काफी बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना पैसा डाला और बैंकों के माध्यम से भी विभिन्न लापरवाहियों के चलते या धांधलियों के चलते काफी सारे अकाउंट्स में कुछ उलटफेर भी देखने को मिला। ऐसा ही कुछ मसला हापुड़ के एक विजया बैंक में चल रहे खाते में, जो कि आपका क्या नाम है, प्रेरित गोयल जी जो एडवोकेट है यहाँ पर, इनके अकाउंट में भी कुछ धांधली का मसला सामने आया है। पुलिस में भी कंप्लेन कर दी गई है, FIR नोट हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस के भी लचर जो एक पूरा रवैया है, ढचर कहना चाहिए रवैया है, उसके चलते अभी भी इस अकाउंट के जो ओनर हैं इनको कोई भी राहत नहीं मिलती दिख रही है। जबकि जिस व्यक्ति ने पैसा निकाला है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, बैंक के द्वारा, बैंक के कर्मचारियों द्वारा, जो अभी यहाँ पर भूतपूर्व यहाँ के जो मैनेजर थे जिनका नाम बताया जा रहा है RK राव, अभी हमारी नेशनल न्यूज स्टोरी की उनसे बात भी हुई है और सब पकाहट में उन्होंने हमको समय दिया है कि हमसे आके मिल लीजिए, देखना होगा कि वो अपना क्या तर्क रखते हैं। अभी जो बैंक के जो अकाउंट के जो ओनर हैं वो हमारे यहाँ पर पास बैठे हुए हैं, आपसे जानते हैं कि क्या क्या सब कुछ हुआ है। कम शब्दों में हमें बताइए कि आपने कब पैसे डाले थे, क्या डाले थे, और अभी तक जो आपने सारी कार्रवाई करी है उसमें क्या राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है? कोई राहत नहीं मिल रही है। मैनेजर साहब से जब इस संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि सारा स्टाफ नया है और मैं अभी माह नवंबर 2016 में ही आया हूँ, इससे पहले का ही ये घोटाला है और इसकी जांच कराई जाएगी, थोड़ा समय लगता है, नेट बैंकिंग के द्वारा ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो आप अपने स्तर से देखिए। जब उन पर ज्यादा प्रेशर बनाया गया तो उन्होंने बताया कि हमारे ही बैंक की शाखा में खुले हुए विकास सन ऑफ दयाचंद नामक व्यक्ति, जिसका सेम अकाउंट है, केवल बीच में कुछ डिजिट का फर्क है, उसी के द्वारा ये धोखाधड़ी की गई है, इसमें मिलीभगत स्टाफ की भी हो सकती है। पुलिस के पास आप गए तो क्या कार्रवाई करी गई? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और चौकी प्रभारी रेलवे रोड से संपर्क करने को कहा। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी रकम ये एक साथ नहीं दे पाएगा, इसे समय दीजिए, 6 महीने, साल भर, धीरे धीरे चुकाएगा, 2000-5000 हमारी रकम का ब्याज भी। बड़ा मुद्दा है कि पुलिस उस जो कुख्याति कहूंगा कि जिसने पैसा निकाला है और जान के उसको मालूम है कि मैं दूसरे के बैंक से पैसा निकाल रहा हूं, पुलिस उसको धड़ दबोच के लाई, लेकिन पुलिस उल्टा समझा रही है कि इसको समय दीजिए, समय का अभाव है और समय के रहते ये पैसा वापसी करेगा, जैसा आप बता रहे हैं मुझे। हाँ जी, उन्होंने कहा कि 4-6 महीने में लौटा देगा, पैसा समय देना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम अपने चैम्बर पर आ गए, जो शाखा प्रबंधक से कहा तो उन्होंने कहा कि हमने हेड ऑफिस ईमेल भेजा है इस संबंध में, आगे ऐसी कार्रवाई एकदम नहीं होती है, धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा। सरकार भी बदल चुकी है और अब अच्छी कार्रवाइयों का आश्वासन सरकार की ओर से दिया जा रहा है, पुलिस से भी अभी उसका वर्जन लेना है, इसी पूरे अभी एपिसोड में हम जाएंगे। उसके बाद जो ये पैसा निकालने वाला शख्स है विकास, इससे भी हमारी बातें हो चुकी हैं और जो भूतपूर्व मैनेजर है RK राव, उनसे भी हमारी बातें हो चुकी हैं, बारी बारी से उनको भी इसी एपिसोड के जो इसके दूसरी कड़ी आएगी उसमें उनकी भी बाइट्स, उनका भी क्या कहना है उसको आपके सामने लेके आएंगे। हापुड़ विजया बैंक के ब्रांच मैनेजर शिव शंकर वर्मा जी हमारे साथ हैं, आपसे जानते हैं कि जो अभी सारा संज्ञान हम आपके सामने लाए हैं उस पर आपका क्या कहना है? सर, ये सारा मैटर आपके सामने है कि बैंक से किस तरह से 2.5 से 3 लाख रुपए कोई एक अज्ञात व्यक्ति निकाल लेता है और उस अज्ञात व्यक्ति का पता भी चल जाता है आप ही के बैंक से कि हाँ, इस व्यक्ति का, विकास नामक व्यक्ति का भी अकाउंट हमारे पास है, उसके बावजूद भी अभी तक भी जो मेन अकाउंट होल्डर है जिसके बैंक से पैसा निकला है उसको उसका पैसा वापस नहीं मिला है, पुलिस में FIR भी हो गई है, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो है हमने जो है 6 अक्टूबर को ज्वाइन किया है, इस केस में जो है 8/6/2016 से इसकी जो है ट्रांजैक्शन वगैरह चल रहे हैं, इसके बारे में जो भी डीप स्टडी होगी जांच करने के बाद ही उसके बारे में आगे कुछ बताया जा सकता है। ये पूरा एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं शायद नेशनल न्यूज स्टोरी के माध्यम से हम कर पाएं, क्योंकि ऐसे दूसरे बहुत सारे केसेस भी ऐसे विभिन्न जनपदों में नोटबंदी के दौरान देखने को मिले हैं।
जो यहाँ पर पुलिस का जो यहाँ पर सीओ हैं शैलेंद्र जी, उनसे भी हमारा कल का हमें समय मिला है और जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके माध्यम से भी कहा जा रहा है कि मैं इस पर डीप स्टडी करके आपको अपडेटेड अपना वर्जन कल को ही दे पाऊंगा। कल तक का वक्त हमारे पास है, दोबारा हम आएंगे इन्हीं सारे विभागों के पास, बैंक के जो प्रबंधक हैं इनके पास, और उनसे पुनः जानेंगे कि क्या है आखिरकार इस पूरी गुत्थी का सच। मैं कैमरामैन उमेश शर्मा के साथ अजीत कुमार शर्मा, नेशनल न्यूज़ स्टोरी, हापुड़।